देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, लेकिन देवघर नगर निगम के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन के बैनर तले अध्यक्ष संजय मंडल के साथ देवघर नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए। वहीं सफाई कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर में गंदगी का अंबार जमा हो गया। पर जाने का मतलब हम लोग का ECF काट के रखा हुआ है 1,85,00,000 रुपए, जिसका कि कोई मैंने पैसा देने का नाम नहीं। उसके बाद EPF और PF परमानेंट आदमी का PF भी उसी तरह काट के रखा जिसका पैसा देने का नाम नहीं। CPI क्या बोलते हैं CPI ना, वो भी मैंने देने का नाम नहीं, जो जिसका कारण कि परमानेंट आदमी का 5,000 रुपया तनख्वाह बढ़ जाए। यही सब मुद्दा पर हम लोग हड़ताल किए। कब तक हड़ताल करेंगे? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कि ये हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये हड़ताल मजबूरी में किया गया है, क्योंकि ये जो हमारा डिमांड था नगर आयुक्त से, EPF बकाया है, PF बकाया है, MSCP का काम अभी तक नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों के मुद्दों को लेकर के हम लोग 18 जून से कार्यरत हैं, हड़ताल चरणबद्ध आंदोलन में है। लेकिन वो एक बार भी नगर आयुक्त के द्वारा हम लोग से बुला करके कोई वार्ता नहीं किया गया इस संबंध में। आज हम लोग मजबूरी में 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने हमारा शौक नहीं, मजबूरी के कारण हम हड़ताल पर हैं। और हम लोग अब जब तक हम लोगों की मांगों को नगर आयुक्त के द्वारा पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। पर जाने का मतलब हम लोग का ECF काट के रखा हुआ है 1,85,00,000 रुपए, जिसका कि कोई खूंटी जिला के रनिया थाना अंतर्गत कोइनारा मल्ला टोली में लूटो मल्ला नामक व्यक्ति ने अपने चचेरे भाई सुकरात मल्ला और भाभी बिरसमणि मल्ला को टांगी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। लूटो ने एक साथ 4 लोगों पर जान से मारने की नियत से हमला किया, जिसमें मृतक सुकरा की मां 70 वर्षीय मंगरी मल्हाइन और मृतक का 25 वर्षीय पुत्र राजो मल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। टोली में सुबह सूचना मिला 2 लोगों का हत्या हो गया है और 2 घायल है, उसी को लेकर हम लोग थाना वाले और थाना प्रभारी उधर से आए और हम लोग पुलिस निरीक्षक तौर पर और हम लोग सब टीम के साथ आए और थोड़ी देर के बाद FSL टीम भी आई है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। कोइनारा झोरा टोली में सुबह सूचना मिला। मुहर्रम को लेकर सरायकेला जीप के राजनगर थाना परिसर में थाना प्रभारी अमीश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों के साथ प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मौके पर सर्वसम्मति से मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्द के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने लोगों से मुहर्रम के दौरान सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के साथ प्रशासन को पर्याप्त सहयोग की अपील की। थाना प्रभारी ने कहा कि पर्व में खलल डालने वाले असामाजिक तत्वों पर 107 के तहत कार्रवाई होगी। मुहर्रम चूंकि हमारे यहाँ 17 तारीख को मनाया जा रहा है, तो इसमें सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखना है, खास करके व्हाट्सएप फेसबुक पर और अफवाह। उस दिन हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण हेतु वहाँ पे फोर्स का डिप्लेशन हो जाएगा और हमारे यहाँ पूरे राजनगर थाना क्षेत्र में एक ही गांव है जो शोभापुर है। शोभापुर में मैं खुद समय समय पर जाते रहता हूँ और वहाँ विधि व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सामाजिक संगठनों के द्वारा भी हमेशा इस इमामबाड़ा से ईदगाह मैदान तक जो करीब 200 मीटर का डिस्टेंस है उसी रास्ते में रहेगी। कितने तारीख को ये 17। बोकारो के न्याय सदन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बोकारो मुख्यालय में मामलों को निष्पादन के लिए 9 और तनुघाट में 4 बेंच लगाए गए, जिसमें लगभग 1,60,000 मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल जिला जज सह अध्यक्ष डालसा अनिल कुमार मिश्रा, SP और DFO ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
प्रिंसिपल जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि इस लोक अदालत के माध्यम से सिविल केस का निष्पादन अधिक से अधिक कैसे किया जाए, यह हमारी प्राथमिकता है। हम लोग की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करवावें। हम लोग इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करा करके लोगों को अविलंब राहत प्रदान की जा सके। अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ जिले में लगभग 9 बेंच का गठन किया गया है और हमारे सब डिवीजन तेनू घाट में 4 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हम लोग जो है पेंडिंग केस के रूप में सिविल, क्रिमिनल और इलेक्ट्रिसिटी केसेस, फैमिली कोर्ट के केसेस और मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, इसके अलावा बैंकों से संबंधित केस, फॉरेस्ट से संबंधित केस, इन सभी का निष्पादन आपसी सहमति से करा रहे हैं। हम लोग की प्राथमिकता है कि अधिक दुमका के कन्वेंशन सेंटर में जिला स्तरीय स्कूल रुआर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन उपायुक्त आंज नेलू दोड़े ने किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक योग्यता और प्रतिभा में आगे हैं, उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कराएं, विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और परिणाम बेहतर रहे, यह हमारा पहला दायित्व है। हम लोग टीचर्स को मोटिवेट करना है और टीचर्स को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से थोड़ा अलग करना है, ताकि बच्चों को ऊपर ज्यादा ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है कि हमारा टीचर से ज्यादा क्वालिटी कोई भी प्राइवेट स्कूल टीचर नहीं रहे, हम लोग नहीं जानते। हमारा टीचर जितना क्वालिटी टीचिंग कर पाता है गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजेश शंकर गिरिडीह पहुंचे और व्यवहार न्यायालय परिसर में लगे लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सिविल कोर्ट परिसर में पौधारोपण भी किया। आज नेशनल लोक अदालत में गिरिडीह आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा यहाँ आने का ध्येय था कि जागरूकता नागरिकों में पहुँचे कि लोक अदालत ये उनकी अदालत है और लोक अदालत में मामले निष्पादित उन्हीं के सहयोग से होंगे। अभी लोक अदालत का आज सुबह उद्घाटन हुआ और उसमें मैंने यही बातें, जितने यहाँ प्रतिनिधि थे कई सरकारी विभाग के और वादीगर, उनको मैंने ये चीज़ बताया कि आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि एक यह न्यायिक पर्व है और इस न्यायिक पर्व का आप बिल्कुल लाभ उठाएं और यहाँ जो मामले निष्पादित होंगे इस पे आप दोनों पार्टी खुशी खुशी घर जाएंगे और इसमें किसी प्रकार के फिर आगे अपील की इसमें गुंजाइश नहीं होती। इसलिए मामला एक बार अगर लोक अदालत में निष्पादित होता है तो हमेशा के लिए निष्पादित हो जाता है। आज जो हमारे पास कुछ फिगर आए हैं, अब तक चूँकि लोक अदालत अभी जारी है तो इसमें जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस हैं उसमें अब तक 45 केस, ये पेंडिंग मामले, उसमें 45 मामले अब तक जो है निष्पादित हो चुके हैं। मैट्रिमोनियल मामलों में 74 मामले निष्पादित हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी केसेस से रिलेटेड जो है ये 280 मामले निष्पादित हो चुके हैं और ये क्रिमिनल जो कंपाउंडेबल केसेस हैं उसमें 1058 मामले और सिविल मामले जो हैं 52, सारे मिलाकर अब तक 1509 मामले निष्पादित हुए हैं। अगर इसमें हम मिसलिनियस क्रिमिनल एप्लीकेशंस को भी हम लोग इसमें ऐड करें तो ये फिगर 4154, ये अब तक जो है ये पेंडिंग मामलों का ये है। रोहतास रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित वाल्मीकि नगर में ब्राउन शुगर बेचने वाला तस्कर सीतीराम उर्फ बौना को पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस ने बौना के पास 11 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश असोई ने बताया कि शरीर से ये काफी दुबला पतला और कद में छोटा होने की वजह से उसे लोग नाबालिग समझते थे और इसी का फायदा उठाकर बौना अपने नशे के कारोबार को करने में सफल रहता था। यही वजह है कि पुलिस भी उसे देखकर किसी भी तरह का शक नहीं
करती थी, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया और पूरी छानबीन की गई तो उसकी उम्र 20 वर्ष से ज्यादा है और वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली है। नशा के विरुद्ध में जो हम लोग का अभियान चल रहा है रांची पुलिस का, इसी में से सुखदेव नगर के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से रात्रि में एक सूचना मिली थी कि वाल्मीकि नगर रोड किशोरगंज के पास में कुछ लोग जो है ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री कर रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में हम लोग रात में टीम बनाकर गए थे और एक लड़का हम लोग को देख के भागने का प्रयास किया, उसी को हम लोग पकड़ के बाद में सर्च किए। सर्च के बाद उसे पॉकेट से कुछ ब्राउन शुगर का 11 पुड़िया और उनका जो नाम हम पूछे तो ये सिटी राम नाम है, वाल्मीकि नगर का रहने वाला है ये, इनका उम्र 20 बरस है और ये काफ़ी दिन से इनका शिकायत आ रहा था कि ये उस मोहल्ला में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री का काम करते हैं। तो इसी आरोप में इसको कल रात्रि में पकड़ा गया है और इसको हम लोग अभी विधिवत कांड दर्ज करके कोर्ट। मुहर्रम पर्व को लेकर कई जगहों पर शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है ताकि पर्व त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बोकारो सिटी थाने में भी मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय पुलिस अधिकारियों, मुस्लिम समुदाय के नेताओं और अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में मुहर्रम के जुलूसों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ठोस उपायों पर चर्चा की। शांति समिति ने नागरिकों से मुहर्रम के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। मुहर्रम का त्यौहार है, उसको लेकर आज थाना में शांति समिति की बैठक किया गया है। इसमें दोनों समुदाय से लोग यहाँ आए हैं, बुद्धिजीवी लोग, प्रतिनिधि लोग, विचार विमर्श किए हैं कि आगामी जो भी आने वाला मुहर्रम है उसको हम लोग शांत तरीके से उनको हम लोग पार करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व हैं अगर किसी प्रकार का कोई हरकत करते हैं तो उसको चिन्हित करके प्रशासन को सौंपेंगे, सूचित करेंगे, उस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुहर्रम का त्यौहार है, उसको लेकर आज थाना में शांति समिति की बैठक किया गया है। इसमें दोनों समुदाय से लोग यहाँ आए हैं, बुद्धिजीवी लोग, प्रतिनिधि लोग, विचार विमर्श किए हैं कि आगामी जो भी आने वाला मुहर्रम है उसको हम लोग शांत तरीके से उनको हम लोग पार करेंगे और जो भी असामाजिक तत्व हैं अगर किसी प्रकार का कोई हरकत करते हैं तो उसको चिन्हित करके प्रशासन को सौंपेंगे, सूचित करेंगे।